तो गाइस आप देख सकते हो ये पूरा गंगा नदी वहाँ से निकलते हुई और सीधा ये रोड जो नीचे दिख रहा है आप देख रहे हो ऋषिकेश के लिए निकलता है, केदारनाथ बद्रीनाथ वगैरह जो भी चार धाम हैं और भी जो तपोभूमि स्थल है वहाँ पर। और ये नीचे आप देख रहे हो हरिद्वार की हर की पौड़ी है और यहाँ से गंगा नदी सीधा आप देख सकते हो कितना जगह कवर करके रखा है गंगा नदी ने अपने जो है क्षेत्र के लिए। तो आप लोग आइए और मनसा देवी में दर्शन करिए, फिर इस हिल स्टेशन पे आके हिल स्टेशन का आनंद लीजिए। तो चलिए, यहाँ पर खतरा है, बंदर हैं, बंदर खतरा भी पहुँचा सकते हैं, चीज़ें छीन सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना भी है अभी। पिचकारी क्या होता है? अच्छा, कॉइन मतलब मंदिर में चढ़ाने बांटने के लिए होते हैं। इसको चढ़ाया जाना, बीच वाली उंगली दूसरे को देना नहीं, सीधे हाथ से पैसे देना भी, और क्या सीधे हाथ से पैसे देना। 1101 रुपए पूछा गया है माता, ये वैसा वैसा पत्थर नहीं है। हाँ कोई नहीं, थोड़ा कम है, कम दे दो, माथे लगाइए सुनते जेब में। अगली बार आओगे मिठाई का डब्बा लेके। कभी हरिद्वार में आश्रम वाली कोई बात नहीं रही क्योंकि जितने भी आश्रम हैं सब होटल में कन्वर्ट हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी ट्रस्ट में आश्रम में जाकर रह सकें कम से कम रेट में, जैसे पहले तो आश्रम में लोग फ्री ऑफ कॉस्ट टाइपिंग से रहते थे, ऐसा लोग बोलते थे, लेकिन अभी वो ज़माना गया और क्या कर सकते हैं, सब ने धंधा बना लिया है, बिजनेस बना लिया है। तो मैं अभी यहाँ नहीं रुकने वाला हूँ, मैं भारत माता मंदिर जाऊँगा, सनातन धर्म के नाम पर ही भारत माता का नाम या फिर भारत माता के नाम पर सनातन धर्म है। तो हम बहुत लकी अपने आप को समझते हैं कि भारत देश में, भारत भूमि पर हमारा जन्म हुआ। यहाँ पे कलकल बहती हुई गंगा नदी, भागीरथ, अलकनंदा, मतलब कि जितनी नदियों का नाम ले सकोगे मोती सब हमारे भारत माता के धरती से उत्पन्न हुई है। पहाड़ों के झरनों से, जंगलों से होते हुए आज हमें जो है उनकी वजह से हर जगह जो है जल अवेलेबल हो जाता है। तिरंगा झंडा कितना प्यारा लगता है हमारा अपना, और दिल्ली में तो ऐसा कोई एरिया नहीं होगा, ऐसा कोई चौक नहीं होगा जहाँ पे बड़े तिरंगे झंडे न लगे हों। निकला हूँ हरिद्वार से, आगे आने के बाद चाय पिया और जो लोग मुझे मिले बहुत अच्छे थे, वो हरियाणा से थे, वो भी ऋषिकेश की तरफ जा रहे थे, उन्होंने मुझसे मिल के बातें करा, मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ बात करके। उनका भी खुद का यूट्यूब चैनल है तो मैं उनके यूट्यूब चैनल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ग्रोथ करे और दिन दिन और आज दिन ग्रोथ करे अपने लाइफ में। वो उनका जो है प्रोफेशनल जो है वर्क उनका सिंगिंग और सिंगर है, तो उनको बहुत बहुत बधाई। तो मोतीपुर नदी है नीचे, इसमें ऊपर से निकल रहा है हाईवे के ऊपर से, फिलहाल इसमें नदी में पानी नहीं है कहीं भी। लास्ट टाइम इसी नदी के ऊपर से निकला था तो मैं डर गया था बिकॉज बारिश हो रही थी और पूरे ट्रैफिक लगा था, ये लेफ्ट वाला रोड पूरा ट्रक से भरा हुआ था, सब खड़े थे। आगे आने के बाद ये लोकेशन पे इतना अंधेरा था कि मैं मतलब डर गया, मैं बोला कि शायद से रास्ता बंद है और मैं गलत वे में जा रहा हूँ। मैंने ट्रक वाले से पूछा, उसका दरवाज़ा बंद था, लॉक करके दरवाज़ा, तो पूछा कि भाई मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ क्या? बोला हाँ सही जा रहे हो, ट्रैफिक लगा हुआ है इसकी वजह से हम लोग रुके बने। तो चलिए अभी तो फिलहाल ये मेरा सेकेंड ट्रिप है बाई रोड, देवभूमि उत्तर।
उत्तराखंड के लिए, तो धीरे धीरे तैयार हो जाएगा और है मुझे ऑलरेडी देवभूमि से प्यार, और भी हो जाएगा, चीज़ों को जान लूँगा थोड़ा, तो ये बने रहिए। निकला हूँ हरिद्वार से, आगे आने के बाद चाय पिया और जो लोग मुझे मिले बहुत अच्छे थे, वो हरियाणा से थे, वो भी ऋषिकेश की तरफ जा रहे थे, उन्होंने मुझसे मिल के बातें करा, मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ बात करके। उनका भी खुद का यूट्यूब चैनल है, तो मैं उनके यूट्यूब चैनल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ग्रोथ करें राज करें अपने लाइफ में, वो उनका जो है प्रोफेशनल जो है वर्क उनका सिंगिंग बहुत सुंदर है, तो मुझे उनसे बहुत बहुत बधाई। तो मोतीपुर नदी है नीचे, जिसमें ऊपर से निकल रहा है हाईवे के ऊपर से, भी सब जगह बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह, बहुत सारे बाग वगैरह हैं, राजा जी नेशनल पार्क से कनेक्टेड है ये एरिया, उसमें तो बहुत शोर शोर से गाड़ी चलाना है, पूरा फुल जंगल है। तो भाई मैं ऑलरेडी ऋषिकेश सिटी में आ गया हूँ, गीता भवन किधर है? ये है तो गाइस फाइनली मुझे रूम मिल गया है, रूम एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट है गीता भवन में, और डिपॉजिट के तौर पे उन्होंने कुछ अमाउंट लिया हुआ है जो कि बाद में मुझे रिफ़ंड कर देंगे, और बहुत ही मतलब यहाँ पे साफ़ सफाई चूज़ करके चीज़ें मतलब की जाती है, बहुत साफ़ सफाई है। तो अगर आप लोग भी कभी गीता भवन में आते हो ऋषिकेश के यहाँ पर नियर अबाउट राम झूला के पास, तो चीज़ें तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, बट बहुत ही साफ़ सफाई और चीज़ों का ध्यान रखना होगा, इनके रूल्स रेगुलेशन को तोड़ना नहीं है, तो ईज़िली मिल जाएंगी। देख सकते हो मैं परमार्थ निकर्तन पे थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, आरती ख़त्म हो गई है, तो मैं कल मॉर्निंग में ट्राई करूँगा कि आरती अटेंड करूँ और इवनिंग में रुक के जो है आरती को अटेंड करूँगा।
ये बजरंगबली का दर्शन किया हम लोगों ने और ये मैं आया यहाँ पर, सॉरी कट रहा है, कंपनी सेक्रेटरी। भाई ऋषिकेश को मैंने जितना सुना था उससे भी कहीं गुना बड़ा जो है एडवेंचरस चीज़ें हैं यहाँ पे, एडवेंचरस प्लेसेस हैं, बाकी जो भी चीज़ें हैं आप देख ही रहे मेरे ब्लॉग के थ्रू। तो ऋषिकेश आपके पास कभी वक्त मिलता है तो आप आइए, रुकिए यहाँ पे एक दो दिन, बहुत ईजी है यहाँ पे रहना और खाना भी मतलब बहुत सस्ता है, रहना सस्ता है, बट आप एक मतलब कि माइंड में ना चीज़ें सेट करके आओ कि आपको करना क्या है, कितने दिन रहना है और कहाँ पे विजिट करना है कहाँ नहीं करना है, वो सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको बहुत ईजिली तरीके से यहाँ पे आप रह सकते हो, दो चार दिन, दस दिन, जितना दिन आप रहना चाहते हो। तो मैं तो अभी आज रात में स्टे किया हूँ, कल मॉर्निंग में देखता हूँ फिर जैसा रहेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान करूँगा कि मुझे रुकना है या जाना है। और आज मैं नाइट में आई थिंक से ट्राई करूंगा घूमने के लिए ऋषिकेश को, देखते हैं क्या है। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, मार्केट को देखिए यहाँ के, इस सनातन धर्म से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये सनातन गीता प्रेस गोरखपुर ये सदियों से चला आ रहा है, और बीजेपी की गवर्नमेंट जब से आई और योगी साहब जब से सीएम बने यूपी के तब से काफ़ी ग्रोथ किया, जो लॉस में चल रही थी उसको फिर से ऊपर लेकर आया उन लोगों ने। और मैं चाहूँगा आप लोगों से कि हमारे सनातन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे हिंदू भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नियर अबाउट गीता प्रेस में विजिट करिए और वहाँ से बुक्स परचेस करिए और उसको पढ़िए, एक एक चीज़ें पढ़िए, आपको समझ में आएंगी, नहीं समझ में आती है तो किसी ज्ञानी आदमी से आप समझिए। और गीता प्रेस की बुक बहुत ही मतलब कि अच्छे सुनहरे अक्षरों में साफ लिखा हुआ है। तो देखिए ये गीता प्रेस की शॉप है ऋषिकेश में, बहुत बड़ी शॉप है, इतनी बड़ी शॉप तो मैंने अभी कहीं नहीं देखी है। ये मैंने ग्लास लिया और ये मेरी थाली और ये कितने साल से आप यहाँ पे हो, कितने साल से हो आप यहाँ पे? 12-13 साल। आप 12-13 साल से हो, ओके। और चाचा जी? ये तो दृष्टि है। अरे अरे आपके चरण प्रभु जी, भगवान मंगल करे। पूछो इनसे, पूछ लो आप कितने साल से आप हो यहाँ पर? ये तो 87 का है। आप डायरेक्ट हो, आपके ही इस पे जो है, ओके। हम यहाँ 65 साल से आ रहे हैं, 65 ईयर्स, अब आई एम 87, ओके। और कितने बजे से कितने बजे तक टाइमिंग रहता है खाने पीने का? खाने पीने का पूरा ₹50 चार्ज इंक्लूडिंग सेल टैक्स, 5% टैक्स देती हैं, ओके। पेट भर के खाओ, ओके, आराम से बढ़िया। आपने ये चालू किया था जब आपने, तो फिर वो टाइम पे कितना चार्ज था थाली का?
10 रुपया था, मेरे सामने 10 रुपया था, आपके सामने पता नहीं। आपके टाइम पे स्टार्टिंग में कितना रुपए थाली था खाना? शुरू में जब भोजनालय शुरू हुआ था, सेठ जी ने करा था, तो कितने रुपए चार्ज था? मेरे ख्याल 30 रुपए। नहीं नहीं, 5 होगा, 5 था मेरे सामने, 10 था, मैं देखा था, हमको याद नहीं, हम नहीं देखते, 5 रुपए होगा। ओके ओके, 30 रुपए तो हमारे मेरे सामने भी था। अच्छा, इनके टाइम पे कितना आपने बोला? 30 रुपए, 10 रुपए, ये 12-13 साल से 14 साल से है, 10 रुपए। ओके, चलो तो गाइस, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ और चाचा जी बहुत नसीब वाले हैं, इतने लोगों को खाना खिलाने का उनको चांस मिल रहा है इतने सालों से। अप्रॉक्स 1987 से वो यहाँ पे कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं लोगों की। मैंने चाचा जी से बात भी करा, उन्होंने बताया कि मुझे इतना याद नहीं है, जब स्टार्ट हुआ था तो वो खुद देख रेख नहीं करते थे खाने पीने का, कौन करता था कौन नहीं। तो अप्रॉक्स 12-14 साल से एक बगल वाले चाचा जी हैं, वो काम करते हैं यहाँ पे, सेवा कर रहे हैं लोगों का। तो उन्होंने बोला कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो कुछ 10 रुपये पर थाली जो है इनका चार्ज था, आज के करीब 14-15 साल पहले, तो अभी 50 रुपये है। महंगाई के अकॉर्डिंग 50 रुपीज़ ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और भरपेट खाना 50 रुपये में थाली में, प्योर वेज सब कुछ, कितना भी आप खाओ, बहुत साफ़ सफाई है, और जितने भी काम करने वाले हैं उनका भी सिस्टम बहुत अच्छा है। हाँ भाई, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या क्या दे रहे हैं हमें खाने के लिए, खाने में। भाई इन्होंने 2 टाइप की सब्ज़ी दी है और चपाती दी है, साथ से दाल और राइस भी रहेगा। तो मैं खाना खा लेता हूँ, फिर बाद में मैं बाहर निकलूँगा, उसके बाद में मैं एक्सप्लोर करूँगा घाट पर। थैंक यू।